हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। सो लेट अस सी 12th of January 2022 के लिए आपके जनरल मैसेजेस या आपके डेली मैसेजेस क्या है। 12th January के लिए हम लोग क्या जान सकते हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। ये जनरल रीडिंग है, सो ये हर कोई देख सकता है। यहाँ पे कोई भी साइन या वैसा कुछ स्पेसिफिक होता नहीं है। अगर ये आपको रेजोनेट करे तो मतलब ये आपके लिए मैसेज है, अगर नहीं करे तो इसको बिल्कुल भी अपने सिचुएशन पे फोर्स नहीं करना है आपको। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी, देखते हैं 12th January 2022 आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ओवरऑल स्टार्टिंग आपका एनर्जी है द 10 of Cups। सो स्टार्टिंग ऑफ विद अ वेरी पॉजिटिव सिचुएशन। सो व्हाट आई रियली सी आज के दिन, बहुत सारे लोग आप काइंड ऑफ अपने क्राफ्ट में बिजी हो। आई सी दैट या तो आप आपको कुछ मिल रहा है जिसके लिए आप काइंड ऑफ इन्वेस्ट किए थे, दैट इज़ द एनर्जी। सो मे बी दिस कैन बी फाइनेंसेस, कि आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स किया था या आपने किसी को पैसा दिया था या आपने किसी को कुछ एडवाइस दिया था। सो बेसिकली आपने कुछ ऐसा किया है या किसी को कुछ चीज़ दिया है जिस वजह से आपको उसका फ़ायदा मिल रहा है। आपको मे बी बहुत सारा अप्रिसिएशन मिल रहा है, कोई मे बी आपको सामने से आके थैंक यू कह रहा है, कोई मे बी आपको बहुत ज़्यादा आपका तारीफ कर रहे हैं। सो देर इज़ समथिंग जो आप को मिल रहा है बदले में, बिकॉज आपने कुछ टाइम पहले या कभी भी आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है या आपने ये सेल्फ केयर भी हो सकता है कि लाइक आप काइंड ऑफ अपना सेल्फ केयर रूटीन फॉलो कर रहे थे, आप काइंड ऑफ अपना सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथों में रखे थे, या फिर आप खुद के लिए कुछ किए जिस वजह से यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको कुछ बदले में गिफ्ट के तौर पे, ब्लेसिंग के तौर पे भेज रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, जो आपके लिए काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा एक न्यू बिगेनिंग जैसा है। सो आज का स्टार्टिंग ऑफ जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। कुछ एक ब्लेसिंग है या कुछ आपके लिए आ रहा है जो इस वक्त आप शायद देख नहीं पा रहे हो। ये आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए ये फाइनेंसेस है या कुछ फेम रिलेटेड सिचुएशन हो सकता है। लाइक आपको बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं या आप बहुत अच्छा नाम कमा रहे हो किसी के सामने या अपने कंपनी में, अपने बिजनेस में, मे बी आपके बिजनेस का नाम ऊंचा हो रहा है। सो देयर इज़ समथिंग जो मेहनत आपने पहले किया है जिसका फल आपको इस वक्त मिल रहा है, विच इज़ वेरी नाइस। ओके, लेट अस सी वॉट एल्स वी कैन सी। वी हैव द फूल एनर्जी, एग्जैक्टली जो मैं कह रही थी कि यहाँ पे एक न्यू बिगेनिंग हो रहा है जो शायद आप देख पा रहे हो, शायद नहीं। आज के दिन आई सी हियर दैट आप एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड में हो, आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आप नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस्ड नहीं हो, आप इस पे फोकस्ड हो कि आप कैसे अपनी सिचुएशन को और भी पॉजिटिव बना सकते हो, आप कैसे अपना ख्याल रख सकते हो अपने हेल्थ का, अपने फाइनेंसिस का, अपने करियर का, अपनी फैमिली responsibilities, सब कुछ। I also see here that आज आप kind of एक fun mood में हो, या तो आप kind of बहुत ज़्यादा like कुछ ऐसा काम कर रहे हो, आपको देख के ज़्यादा serious नहीं लग रहा है, आपको देख के लग रहा है that like आप बहुत friendly attitude में हो, आप kind of लोगों से बात कर रहे हो या लोग सामने से आके आपसे बात कर रहे हैं, आप kind of सब लोगों को entertain कर रहे हो, because I think आज आपका जो mood है वो काफ़ी ज़्यादा positive है and वो बाहर से दिख रहा है लोगों को, लोग समझ पा रहे हैं दैट आप काइंड ऑफ फ्रेंडली वे में सबको रिसीव कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन आप रूड हो, बट आपका एनर्जी आज बहुत ही लाइट हार्टेड है, फ्रेंडली है, कह सकते हो। आई सी दैट आपको किसी टाइप का प्रोटेक्शन मिल रहा है, आई डोंट नो वॉट, या फिर आप काइंड ऑफ कोई आपको प्रोटेक्ट कर रहा है किसी सिचुएशन में। आई ऑल्सो सी ये यूनिवर्स हो सकते हैं, ये आपका कोई क्लोज फ्रेंड, रिलेटिव, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, बट आई सी हियर दैट आज के दिन आपको कोई ज़रूर एडवाइस कर रहा है या आप किसी को एडवाइस कर रहे हो या कोई आपके साथ है जो आपको काइंड ऑफ
गलती करने से रोक रहा है। सो बेसिकली अगर आज आपके साथ कोई ऐसे इंसान है जो आपके लिए मायने रखते हैं, जो आपको काइंड ऑफ गाइड कर रहे हैं, आई थिंक आपको उनका गाइडेंस लेना चाहिए। अगर आपका ऐसा सिचुएशन है या आपको काइंड ऑफ लाइक पीछे नहीं हटना है, अगर सोशलाइज करना चाहते हो सोशलाइज कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू। वी हैव द टू ऑफ कप्स सिचुएशन हियर, सो आई डेफिनेटली सी आज काइंड ऑफ एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे ऑल्सो अ लॉट ऑफ यू आप कुछ एग्रीमेंट कर रहे हो, कुछ डील कर रहे हो, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, चाहे वो आपके फैमिली में हो, फ्रेंड्स के साथ हो, एंड आई थिंक दैट आज आप काइंड ऑफ इक्वल गिव एंड टेक फेस कर रहे हो। आज आप किसी को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो या किसी को कम भी नहीं दे रहे हो। यू नो, जो जो भी इंसान आपकी लाइफ में जो भी डिज़र्व करता है, आप काइंड ऑफ उसको वही दे रहे हो, लाइक जस्टिस, लाइक कर्मा। सो आई थिंक अगर आप पास्ट में बहुत ज़्यादा पोलाइट थे, अगर आप पास्ट में बहुत ज़्यादा यू नो लाइक दूसरे के बारे में ज़्यादा केयर करते थे, अपने बारे में कम, या आप ऐसे हो आज के दिन, आई सी हियर दैट आप काइंड ऑफ आवाज़ उठा रहे हो, आपको जो नहीं पसंद है आप काइंड ऑफ प्रोटेस्ट कर रहे हो, लाइक आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो किसी भी एरिया में। वी हैव द थ्री ऑफ वॉन्स एनर्जी। आई ऑल्सो फील आज आप काइंड ऑफ अपनी लव सिचुएशन में किसी चीज़ का वेट कर रहे हो या आप किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हो। आई डेफिनेटली सी आपने कुछ प्रे किया है आज, या आप कुछ प्रे कर रहे हो कुछ होना या ना होने से रिलेटेड, एंड आप चाहते हो कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरा हो जाए। बिकॉज आई सी आपके लाइफ में कुछ ऐसा डिसीशन है या कुछ ऐसा सिचुएशन है जिसे लेके आप काफ़ी ज़्यादा नर्वस कह सकते हो या टेंशन में कह सकते हो, दैट किसी चीज़ का होना या ना होना आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है फिलहाल। सो मे बी आपकी शादी हो सकती है, या आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, ये आपका कोई बहुत ही खास मीटिंग आपके सामने है वो हो सकता है, या आपका कोई करियर डिसीशन हो सकता है फ्यूचर में। सो कुछ है जिसके बारे में आप काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो, आप बार बार काइंड ऑफ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप बार बार काइंड ऑफ प्रे कर रहे हो दैट यू नो सब कुछ अच्छा हो। वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो आई थिंक आज आपका जो लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड से आप जा तो रहे हो पूरा दिन, बट आई सी दैट आज कुछ लोगों को आप काइंड ऑफ उनका लाइक आप उनका कर्मा बन रहे हो, आप काइंड ऑफ उनको यू नो दिखा रहे हो दैट वो आपके लाइफ में एग्जैक्टली क्या डिज़र्व करते हैं। बिकॉज आई थिंक ये वो लोग हैं जो काइंड ऑफ हमेशा आपका फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं, या जो हमेशा उनके फ़ायदे के लिए आपसे बात करते हैं, या यू नो सेल्फिश है, मतलब ही काइंड ऑफ पर्सन है। एंड आई थिंक इन लोगों को आप काइंड ऑफ डायरेक्टली ये दिखा रहे हो दैट वो कौन सा यू नो जगह डिज़र्व करते हैं आपके लाइफ में। सो आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप काइंड ऑफ कोई भी नॉनसेंस ड्रामा में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, आप फ्रेंडली हो, आप सब कुछ हो, बट जो गलत है आप उसके लिए काइंड ऑफ स्टैंड ले रहे हो वेरी क्लियरली। ओके, सो लेट अस सी आपका करियर सिचुएशन, व्हाट कैन वी सी हियर। वाह, वी हैव द एस ऑफ कप्स। सो आई थिंक आपके करियर सिचुएशन में आप काइंड ऑफ आज अपना दिन गुजार रहे हो, आप काइंड ऑफ ज़्यादा सोच नहीं रहे हो, या ज़्यादा आप काइंड ऑफ टेंशन नहीं ले रहे हो कि फ्यूचर का क्या होगा, इसका क्या, उसका क्या, आप काइंड ऑफ अपना दिन गुजार रहे हो, आपके जो काम से काम रख रहे हो, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसे पूरा कर रहे हो। वी हैव द पेज ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक आज आप काइंड ऑफ आपको थोड़ा सा इमेच्योर फील हो सकता है, आपको फील हो सकता है दैट लाइक आपके पास टाइम कम है, काम ज़्यादा है, या आपके सर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, स्पेशली अगर आप नए हो, आपने नया नया जॉब ज्वाइन किया है या आपने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, आपको थोड़ा सा नाइंसाफी फील हो सकता है, या आपको फील हो सकता है दैट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या फिर आपके लिए लाइक कुछ है जो यू नो हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। सो आई थिंक आज आप थोड़ा सा प्रेशर में फील कर सकते हो, या आपको लग सकता है थोड़ा सा नाइंसाफी है आपके साथ, आपके काम के सिचुएशन में, या बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपके ऊपर, बट आई थिंक आप काफ़ी अच्छे से उन सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। आई हैव द डेथ एनर्जी। आई थिंक कुछ लोगों के लिए आपके वहाँ पे कुछ यू नो कुछ लोगों के लिए ही है ये मैसेज दैट आपके काम के वहाँ पे या आपके स्कूल कॉलेजेस में काइंड ऑफ किसी टाइप का इनजस्टिस है, या कुछ लोग हैं जो आपके अगेंस्ट है, या हमेशा आपके पीठ पीछे यू नो गॉसिप करते हैं, या हमेशा आपको काइंड ऑफ
आपका एनर्जी को नीचा दिखाना चाहते हैं या आपको नीचा दिखाना चाहते हैं. आई सी दैट कैन हैपन. या फिर ये हो सकता है दैट कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, स्पेशली आपके करियर, आपके फाइनेंसेस के ऊपर. लाइक या तो ये लोग जेलस टाइप के लोग हैं, या ये लोग काइंड ऑफ आपसे कंपीट करना चाहते हैं, यू नो, आपके ऊपर जाना चाहते हैं, आपसे ऊपर उठना चाहते हैं ज़िंदगी में, चाहे वो कैसे भी हो, यू नो. सो इन लोगों से थोड़ा सा, यू नो, यू हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस. हमारे पास द मैजिशियन एनर्जी है. सो आई सी दैट आज आप काइंड ऑफ लक आपके साइड में है, यू नो. आप जो भी कर रहे हो, आपका टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क, बट आई थिंक आप लकी फील करोगे बिकॉज मे बी आप काम खत्म कर रहे हो टाइम पे, मे बी आपका आप जो जिस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डर रहे थे वो काम निपटा रहे हो आप, या कहीं से आपको हेल्प मिल रहा है किसी से, या मे बी आपका कोई एग्ज़ाम या कुछ मीटिंग वगैरह कैंसिल हो सकता है, वो एक सो जो भी है आप काइंड ऑफ लकी महसूस कर रहे हो अंदर से. आई ऑल्सो सी दैट आज आपके वर्क सिचुएशन में आप थोड़ा सा लोनली फील कर सकते हो, या आपको फील हो सकता है दैट आज, यू नो, कुछ मे बी आपके फ्रेंड्स वगैरह एब्सेंट है, या फिर आपके कलीग्स जो आप पसंद करते हो जिन्हें वो लोग लाइक बिजी है. सो लाइक आज आपका वर्किंग सिचुएशन थोड़ा सा लोनली हो सकता है, बट इट्स ओके, इट डज नॉट मैटर. वी हैव द पेज ऑफ कप्स एनर्जी. सो आई डेफिनेटली फील हियर दैट आप आज ज़्यादा लाइक आज आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म का नहीं सोच रहे हो, या आज आप ज़्यादा फ्यूचर का नहीं सोच रहे हो. आज आप बस, यू नो, करेंट सिचुएशन में करेंट सिचुएशन पे कॉन्सेंट्रेटेड हो. आप ये सोच रहे हो दैट, यू नो, बस दिन कैसे गुजारना है, बस काम कैसे ख़त्म करना है, बस घर कैसे वापस जाना है, एंड ऑल दैट स्टफ. लाइक आप, यू नो, उतना आज मूड में नहीं हो कि आप फ्यूचर का सोचो एंड प्लान करो एंड ये करो वो करो. आज आप काइंड ऑफ बस काम ख़त्म करने के मूड में हो, घर जाने के मूड में हो, यू नो, या वर्क फ्रॉम होम है, तो आप बस आज थोड़ा सा रिलैक्स करने के एनर्जी में हो. सो इन योर लव सिचुएशन वी हैव द नाइन ऑफ सोर्ड्स, विच टेल्स मी दैट डेफिनेटली देर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस जो आप ले रहे हो आपके लव लाइफ में. आई थिंक जो लोग सिंगल हो, आप भी काइंड ऑफ स्ट्रेस ले रहे हो दैट, यू नो, कोई परफेक्ट पर्सन आपको कैसे मिलेंगे, या कोई आपके लिए बना है या नहीं, या फिर वॉट कैन हैपन. लाइक आपके लव लाइफ का जो फ्यूचर है वो आपका मेन सरदर्द है इस वक्त. लाइक क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या कोई है, क्या कुछ कोई मिल सकता है मुझे, ये वो हज़ार लाइक टेंशन है, हज़ारों सवाल है आपके मन में. बट आई सी हियर दैट यहाँ पे आप काइंड ऑफ अपने एनर्जी को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो समहाउ. या तो आप बहुत ही लाइक एक इंट्रोवर्टेड पर्सन हो, या फिर एक ऐसे पर्सन हो जो ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे हो. बट आई थिंक आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट उतना आप एक्शन नहीं ले रहे हो असली लाइफ में. लाइक मे बी आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, बट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे एंड सब कुछ फिल्मों जैसा होगा. सो ऑब्वियसली वो हो नहीं सकता. सो मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट ऐसा कुछ है जो आप कर नहीं रहे हो, या आप खुद को करने से रोक रहे हो, जो मे बी ज़रूरी है आपके लव लाइफ में, या जो मे बी ज़रूरी है आपके करंट रिलेशनशिप में. वी हैव द सेवन ऑफ पेंटिकल्स. सो आई सी हियर दैट ओवरऑल आप स्ट्रेस्ड हो इस लव सिचुएशन के फ्यूचर के बारे में. चाहे आप सिंगल हो या आप किसी से डील कर रहे हो, डज नॉट मैटर. ओवरऑल थोड़ा सा स्ट्रेस है जो आप महसूस कर रहे हो, बट दैट इज़ ओके. द किंग ऑफ वॉन्ड्स. आई सी कुछ लोग हैं जो सिंगल्स हैं, या जो अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हो. मे बी आप लोगों से थोड़ा सा फ्लर्ट कर रहे हो, या कुछ लोग आपसे कर रहे हैं, या आपका जो एनर्जी है वो आप काइंड ऑफ यू आर टेस्टिंग द वाटर्स. आप देख रहे हो दैट आपके जो ऑप्शंस है क्या वो आपके लिए सही है, गलत है, या आपके पास क्या ऑप्शंस है आपके लव लाइफ में. मे बी आप काइंड ऑफ लाइक यू आर जस्ट एन्जॉइंग द राइड. आई डोंट थिंक आज आप बहुत ज़्यादा सीरियस मूड में हो, या आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो. आप अंदर ही अंदर बहुत सीरियसली सोच रहे हो, टेंशन कर रहे हो, बट आप बाहर वो, यू नो, दिखने नहीं दे रहे हो. यू आर काइंड ऑफ सीक्रेटिव आज के दिन. वी हैव द नाइन ऑफ वॉन्स जो सिमिलर एनर्जी है यहाँ पे. वॉट एल्स कैन वी नो.
या द चैन ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक फॉर सम ऑफ यू आप या तो कुछ एंडिंग वगैरह हुआ है या आप किसी एंडिंग के थ्रू जा रहे हो एंड आप काइंड ऑफ डिसाइड कर रहे हो कि यू नो फाइनली ये टाइम है कि आप अपने ऑप्शंस को ओपन रखें, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचें एंड ना इस एंडिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ पे स्टक फील करें. सो आप काइंड ऑफ डिसाइड कर रहे हो टू मूव ऑन या आप डिसाइड कर रहे हो कि अपनी लव लाइफ में फिर से कैसे बेसिकली अपना एनर्जी कैसे चेंज करना है, इस स्टक नेगेटिव एनर्जी से कैसे खुद को फिर से यू नो पॉजिटिव बनाना है, फिर से कैसे यू नो अपनी लाइफ को चेंज करना है. सो ऑब्वियसली ये एक दिन में तो हो नहीं सकता, बट एटलीस्ट आप कोशिश कर रहे हो. या वी हैव द फोर ऑफ पेंटिकल्स. आज आप ज़्यादा खास कुछ चेंजेस वगैरह कर नहीं रहे हो या एक्शन नहीं ले रहे हो, बट आप डेफिनेटली किसी चेंज के बारे में सोच रहे हो या किसी चेंज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लव लाइफ में. या तो ये कोई न्यू पर्सन है या फिर ये कोई स्टेबल मैरिज है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई रिश्ता है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. बट आई सी दैट लाइक मन ही मन आप बहुत कुछ सोच रहे हो जो आपको बाहर से देख के मिल नहीं, लाइक देख के समझ में नहीं आ रहा है. बॉटम डेक है द फाइव ऑफ पेंटिकल्स. सो आई डेफिनेटली फील लाइक आप में से बहुत सारे लोग काइंड ऑफ मूव ऑन कर रहे हो किसी एंडिंग से, किसी ऐसे रिलेशंस थे मे बी जो काम नहीं कर रहा है, जो रुक गया है, या जहाँ पे आप काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, या फिर ओवरऑल अगर आप सिंगल हो तो. ओके, सो ओवरऑल दैट इज़ वॉट आई सी फॉर यू आज 12 जनवरी 2022 के लिए. एंड आई होप ये आपको रेजोनेट करेगा, बट मैं फिर से कह दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है. सो ये जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना है एंड इसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है अपनी सिचुएशन के ऊपर. सो थैंक यू सो मच. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. आपका दिन बहुत अच्छा बीते. गॉड ब्लेस यू एंड सेफ रहो, अपने लव्ड वंस को सेफ रखो. टेक केयर एंड गुड बाय.